ये पिक्चर देखिए, इसमें मतलब दिखाया गया है यहाँ पे इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज हो रही है, ये डेथ फ्रॉम रैपिड हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे डैमेज हो क्योंकि इंटेस्टाइन हो गई है, या फिर यहाँ पे परफोरेशन पाउच ऑफ डॉगलास की हो गई है, यहाँ पे जो है परफोरेशन हो गई है रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू की, हेमरेज हो रहा है इनटू द बोर्ड लिगामेंट, यहाँ पे ये लेसरेशन वजाइना की भी हो सकती है तो फिर एक्सटर्नल हेमरेज हो सकती है, लेसरेशन सर्विक्स की हो सकती है हेमरेज होगी, परफोरेशन होगी फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड तो भी हेमरेज होगी, तो ये डिफरेंट किस्म की हेमरेजेस की वजह से डेथ हो सकती है। अब बात करें डिलेड डेथ की, तो वो होती है ड्यू टू द सेप्सिस या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोई रीनल फेलियर हो गया हो। सेप्सिस या रीनल फेलियर से मतलब डिलेड डेथ होगी। ये केसेस पहले एडमिट होते हैं टू द हॉस्पिटल प्रायर टू द डेथ ऑफ द वुमेन। सम केसेस जो डेवलप करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पेल्विक सेल्यूलाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो इवेंचुअली फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑफ डेथ करवाएंगे। अब फिर देखिए डेथ फ्रॉम द इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे देखिए ओफोराइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकती है, सेल्पिंजाइटिस भी फिलोपियन ट्यूब की, सेप्टिक मेट्राइटिस भी हो सकती है, इन्फेक्टेड प्लेसेंटल साइट है, यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस सेप्टिसीमिया या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पायरीमिया की वजह से, सेप्टिक एंडोमेट्राइटिस पेल्विक सेल्यूलाइटिस, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, इन्फेक्टेड वेजाइनल एब्रेशन। ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या मिलेंगी? ऑटोप्सी फाइंडिंग इवोल्यूशन रिक्वायर दैट द मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी कन्वर्सेंट विद द टाइप ऑफ द ड्रग एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच आर जनरली यूज फॉर सच पर्पजेज, मोड ऑफ डेथ विक्टिम डाइज ऑफ, एंड सिंस सब्सिक्वेंट पोस्टमार्टम फाइंडिंग हैव टू बी रिलेटेड विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए, टाइप क्या थी, उसका मोड ऑफ डेथ क्या था, विक्टिम डाइज ऑफ, एंड सिंस सब्सिक्वेंट पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या मिली रिलेटेड विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन इस तरह की डेथ में मतलब जरूर करनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ये बॉडीज डीकम्पोज जल्दी करती हैं, और अनलेस के ये प्रोसेस प्रिवेंट किया जाए मैनी डिफिकल्टीज कन्फ्रंट कर सकती है मेडिकल एग्जामिनर को। अब देखिए फाइंडिंग जो प्रेजेंट होती है ना दोनों कपड़ों में भी और बॉडी ऑफ द विक्टिम में और फीटस में, इन सब मतलब हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी। डिसअरेंजमेंट कपड़ों की नोट करनी चाहिए, ये सॉइल्ड होंगे विद फ्लूइड जिसमें ब्लड भी हो सकता है, जब बॉडी मूव की जाती है तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो रन आउट कर सकता है वजाइना से, सोकिंग थ्रू ऑल द क्लोथ लाइन बीनीथ द बटक्स, तो स्मेल कार्बोलिक सोप की भी आ सकती है हमें, या एंटीसेप्टिक की जैसे डिटॉल की इन द रूम। साइंस अबाउट द स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो असरटेन करनी चाहिए, अगर फीटस जो है वो इज स्टिल इन द यूट्रस, वल्वा वजाइना सर्विस यूट्रस की एग्जामिन करनी चाहिए, कोई एविडेंस इंस्ट्रूमेंटेशन का तो नहीं है, परफोरेशन तो नहीं हो गई, ड्रग एक्शन, ये इंजरीज जो है वो मे बी फ्रॉम अ स्क्रैच से लेके कोई फ्रैंक वोंड लेबिया का वजाइना सर्विस या यूट्रस का, ब्लीडिंग सर्वाइकल कैनाल से बहुत कॉमन है, फ्लूड हो सकता है वजाइना में यूट्रस में, ये फ्लूड जो है वो प्रिजर्व किया जाता है फॉर द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। अगर फीटस प्रेजेंट हो तो एस्टिमेशन उसके एज की बनाई जाती है, एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ ट्रामा टू द बॉडी ऑफ द फीटस इज नोटेड, मतलब उसकी एज की हम मालूम करेंगे कि फीटस मिला या फिर ट्रामा उसकी बॉडी पे जो है वो नोट करेंगे। अगर सिर्फ हमें फीटल के रेमिनेंट मिल रहे हैं तो उनको हम ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। अब देखिए पिक्चर है प्री मैच्योर फीटस है स्टिल लाइंग विद इन द यूट्रस रिकवर्ड फ्रॉम द विक्टिम ड्यूरिंग ऑटोप्सी, और इसमें फुल टर्म फीटस ग्रॉसली लेसरेटेड हुआ है एट द चेस्ट लेफ्ट शोल्डर ड्यूरिंग द क्यूरेटेज। इन द डेथ जो होती है एयर एम्बोलिज्म की वजह से, तो वहाँ पे ना डीप साइनोसिस और हमें कंजेशन मिल सकती है, फ्रॉदी म्यूकस जो टिंच होता है विद ब्लड वो एग्जूड करेगा माउथ से और नॉस्ट्रल्स से, एयर बबल्स देखे जाएंगे वीन्स में ओवर द यूट्रस जो कि क्रेपिटेट करेंगी, एयर बबल ऑल्सो प्रेजेंट होंगे इन्फीरियर वीना कावा में, राइट हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी में, और सेरिब्रल और कोरोनरी आर्टरीज में। डेथ जो होती है फ्रॉम सेप्टिसीमिया कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में जनरली क्लॉस्ट्रिडियम वेल्जी होता है जो कि नॉर्मली सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म इन जनरल ट्रायल, लेकिन ये ट्रांसफर पैथोजेनिक हो सकते हैं नेक्रोटिक टिश्यूज में, तो इसके नजर आगे विक्टिम की कैरेक्टर से येलोइश ब्रॉन्ज कलर देगी क्योंकि इसमें डीप जॉन्डिस हो जाती है। डेथ होगी 12 to 48 hours में टू अ वीक इन द हॉस्पिटल आफ्टर एडमिशन। कॉजेटिव एजमेंट जो कि सेप्टिसीमिया करें अरबिक क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची है, एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी है, ईकोलाई भी करवाते हैं, सेप्रोफाइटिकस सॉरी स्टेफिलोकोकस पायोजेनिस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अब एथिकल ऑब्लिगेशन में जब हम वायल अटेंड कर रहे होते हैं केस क्रिमिनल अबॉर्शन का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन की जो ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं है विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। फर्दर देर इज़ अ पब्लिक ड्यूटी एज अ सिटीजन के पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर मे गो इन फिक्स एज वट as to what course should be selected between the preservation of the secrecy and his public duty. Medical association view ki hai ki koi bhi information jo obtain hoti during the course of medical treatment wo divulge nahi karni chahiye voluntarily without the consent of the patient. Suspected jo case hote hai na criminal abortion ke patient ko encourage karna chahiye to record dying declaration agar death seems imminent.
अपॉन द डेथ ऑफ द पेशेंट मैटर जो है रिपोर्ट होना चाहिए पुलिस को इमीडिएटली, और सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ विथ हेल्ड टिल कंडक्शन ऑफ द ऑटोप्सी। न्यू बॉर्न बेबी जो है ना इन इज एडिशन टू द फैमिली आल्सो हैविंग टू इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक इम्प्लीकेशन, प्रीनेटल पोस्टनेटल एज, दूसरा स्टिल लाइव बर्थ। देखिए प्रीनेटल पोस्टनेटल एज डिटरमाइन होती है अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे कि बॉडी मेजरमेंट लेंथ की, डेवलपमेंटल स्टेज डिफरेंट ऑर्गन्स का और पार्ट बॉडी का। 5 से जो 9th मंथ होता है ना लेंथ फीटस की, उसमें वर्टेक्स से लेके हील तक गुड इंडिकेटर होती है एज की, और 7 मंथ्स के बाद जो है ऑनवर्ड फीटस लीगली वायबल हो जाता है। लेंथ मॉर्फोलॉजी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन हमें डिटरमाइन करवाएंगे वेदर फीटस फॉल्स ड्यूरिंग द प्रीनेटल और पोस्टनेटल, एक तो लेंथ और दूसरे ऑसिफिकेशन के सेंटर मॉर्फोलॉजी भी। स्केलेटन बन जाता है बाय द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑसिफिकेशन सेंटर, उससे बनता है विद इन द ग्रोइंग कार्टिलेजेस ऑफ द लॉन्ग बोन जो कि ग्रेजुअली फिर रिप्लेस हो जाती हैं बाय बोन। लॉन्ग बोन जैसे कि डेवलप करती है फ्रॉम अ सेट ऑफ 3 ऑसिफिकेशन सेंटर, एक शाफ्ट या डायफिसिस और एट वन ईच एट एन एपिफाइसिस ऑन आइदर एंड। ये तीनों ग्रो करेंगे और अल्टीमेटली फ्यूज करेंगे टुगेदर जब इंडिविजुअल रीच करेगा फुल साइज। फुली डेवलप्ड जो फीटस है वो अप्रॉक्सीमेटली इसको 405 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। अच्छा 405 फुली डेवलप फीटस को होंगे। विद इन इंडिविजुअल रीचेज एडल्टहुड दैट नंबर डिक्रीज करे जाएगा 206 फुली डिवेलप्ड बोन्स के अंदर, पहले 405 होते हैं। इसमें मतलब कि फीटल स्केलेटल रिमेन्स है लॉन्ग बोन्स ऑसिफिकेशन सेंटर एंड डेवलपिंग टीथ इंडिकेटिंग द एज ऑफ द न्यू बॉर्न एज फुल टर्म। स्टिल लाइव बर्थ जो प्रूफ होता है ना वो डिपेंड करता है कंडीशन फीटस की एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एविडेंस मेसरेशन का या ग्रॉस एबनॉर्मलिटी प्रक्लूड करती है लाइव बर्थ। फर्दर चेस्ट की कंडीशन, लंग्स की, डाइजेस्टिव ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हेल्प करता है इस एवेल्यूशन में। बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेस्पायरेशन जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड होती है और लंग जो है वो एयरलेस होते हैं, ये फिल नहीं करते चेस्ट कैविटी को और ओवरलैप नहीं करते हार्ट को, ये स्मॉल होते हैं और हार्ड होते हैं और क्रेपिटेट नहीं करते। एजेस जो है ना वो लंग्स वो शार्प होते हैं और वो लिवर की तरह ही रिजेंबल कर रहे होते हैं। अब रेस्पायरेशन के बाद ये फिल करेंगे पूरी थोरेसिक कैविटी को, ओवरलैप कर जाएंगे हार्ट को, स्पंजी हो जाएंगे कंसिस्टेंसी में और क्रेपिटेट भी करेंगे। अब इनके एजेस राउंड हो जाएंगे और इनका कलर जो है ना वो मॉटल्ड लाइट और डार्क रेड हो जाएगा। सेक्शन पे ब्राइट रेड ब्लड और फ्रॉथ एस्केप करेगी। फ्लोटेशन या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट माइक्रोस्कोपी पर रिलायबल इन्वेस्टिगेशन होती है टू डिसाइड द एरेशन। माइक्रोस्कोपी के लिए लंग्स जो है वो रिमूव करेंगे और प्लेस करेंगे एट वंस इन अ फिक्सेटिव विदाउट एक्सेसिव हैंडलिंग। सक्शन शो करेगा हमें एक्सपेंडेड एल्वेलाई जो कि रेडीली डिफ्रेंशिएट करते हैं इस तरह के लंग को फ्रॉम वन जिसने कभी भी रिस्पायर ना किया हो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को एडिशनल एडवांटेज है कि यह प्रोवाइड करती है एविडेंस पल्मोनरी डिजीज़ का या एबनॉर्मलिटी का जो कि जिसने डेथ करवाई हो। स्टिल बर्थ में ना एल्वेलाई कोलैप्स मिलेंगे और हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट नेगेटिव आएगा। अगर चाइल्ड ने सांस ली हो तो एल्वेलाई एक्सपेंडेड मिलेंगे और उनमें एयर भी होगी और हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सक्लूड करें इस टेस्ट को बीइंग फास्टली पॉजिटिव क्योंकि डीकम्पोजिशन गैसेस बन जाती हैं और फास्टली नेगेटिव क्योंकि नमूनिक कंसोलिडेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें नेगेटिव आएगा नमूनिक कंसोलिडेशन में, फाल्स नेगेटिव। ये टेबल है जिसमें इंट्रायूट्राइन एज और उसके मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। 1 मंथ में जो है एम्ब्रियो का साइज 3 इंच होता है। एम्ब्रियो फुली कवर करता है कोरियोनिक विलाय को। शॉर्ट और फ्लैट लिम्ब बड होते हैं। 2 महीने में नोज माउथ सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी विजिबल होते हैं, हाथ पन्ना शुरू हो जाते हैं, फिंगर डिस्टिंग्विशेबल होती हैं एज स्लाइट प्रोजेक्शंस। 3 महीने में फिर जो है फीटल लेंथ जो है 4 इंचेस की हो जाती है, सेक्स डिस्टिंग्विशेबल होता है, आईलिड्स क्लोज हो जाती हैं, प्लेसेंटा बन जाता है। यहाँ पे अब 3rd मंथ में लिखला है सेक्स डिस्टिंग्विशेबल। 4th मंथ जो है उसमें लेंथ 7 इंचेस की हो जाती है, प्लेसेंटा 3 ounces का, बाल और नाखून उसके विजिबल, पेपिलरी मेम्ब्रेन भी आ जाती है। 5वें महीने में 9 इंच का, फीटल वेट 1 पाउंड, प्लेसेंटल वेट 6 आउंस, वर्निक्स केजियोसा आएगा, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। अब कैल्केनियस होगी 5वें महीने में। 6 महीने में जो है वो फीटल लेंथ 11 इंचेस, 2 पाउंड का वजन, 8 से 9 आउंस का वेट, प्लेसेंटा का स्किन रिंकल, आईब्रो विजिबल, साइज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर अबाउट 18 मिलीमीटर, स्किन रिंकल और डर्टी रेड और आईलेश और आईब्रो विजिबल। अब 7वें महीने में 13 इंच, 3 पाउंड, 11 and 12 ounce, स्टिल स्किन रिंकल है, पीपलरी मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी टू डिसअपियर और सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन टेलस होगा 7 मंथ में। 5th मंथ में कैल्केनियस और 7 मंथ में टेलस।
एट्थ मंथ में ओसिफिकेशन सेंटर जो है वो लोअर एंड ऑफ द फीमर बन जाएगा, 15 इंच, 4 पाउंड, 14 to 15, 1 स्टेज ऑफ सर नेल्स। 9 मंथ्स में जो है वो लेंथ 16 to 18, 6 to 8 पाउंड, 16 to 18। एंटीरियर फंटेनल ओपन होंगे, पोस्टीरियर फंटेनल क्लोज हो जाएगा। स्कैल्प हेयर 1 इंच के टेस्टिस स्क्रोटम में मेल में, लेबिया क्लोज वजाइना में, और मीकोनियम प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन लोअर एंड ऑफ द फीमर, स्मॉल सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन क्यूबॉइड में भी होगा। अब ये 9 मंथ में फुली मैच्योर जो है वो फीटस है। डिफरेंस क्या होता है अनब्रीथ लंग का और ब्रीथ लंग का? जो साइज़ होगा अनब्रीथ में वो स्मॉल होगा, 1/7 टाइम द बॉडी वेट होगा, जबकि उसका लार्ज होगा 4 to 6 साइज बिगर। ये वाला यूनिफॉर्म होता है डीप वॉयलेट, जबकि वो मॉल्टेड और लाइटर होगा। कंसिस्टेंसी जाहिर सी बात है अनब्रीथ लंग हार्ड और नॉन क्रेपिटेंट होगा, ब्रीथ लंग स्पंजी इलास्टिक और क्रेपिटेंट। इसके एज इज़ राउंड, उसके शार्प, ये एयर सैक विजिबल नहीं होंगी और इसमें विजिबल एंड ऑफ यूनिफॉर्म साइज, नो फ्रोथ ऑन स्क्वीजिंग, फ्रोथ ऑन स्क्वीजिंग, फ्लोटेशन नेगेटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव आएगी, और इसमें एल्वियोलर कोलैप्स होंगे, इसमें एल्वियोलर एक्सपेंडेड होंगे। बिसाइड द अबव डिफरेंशिएशन बिटवीन द स्टिल एंड लाइव बर्थ, अटेंशन शुड बी पेड टू द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक है, एयर है GIT में, फीटल के ब्लड वेसल्स के चेंजेस और वेजिटस यूट्राइनस। देखिए चाइल्ड लेबर के दौरान जब हम अटेम्प्ट करवा रहे होते टू ब्रीथ, तो वो स्वेलो करता है एयर। फ्लोटेशन टेस्ट जो है परफॉर्म करेंगे स्टमक पे एंड अ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन आफ्टर टाइंग एट बोथ एंड्स ऑफ अ सेगमेंट टेकन फ्रॉम द ट्रैक। एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द स्टमक जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट होता है बाय ओपनिंग इट अंडर द वाटर एंड बाय रेडियोलॉजी। क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसस एंड डक्टस विनोसस जो कि पैटर्न होते हैं बर्थ पे, ये भी वाइटल चेंज है। माइक्रोस्कोप हेल्प करती है इन दिस डिटेक्शन। वेजिटस यूट्राइनस जो है वो क्राई ऑफ द चाइल्ड होती है आफ्टर द इंस्पायरेशन वाइल स्टिल इन बर्थ कनाल, और ये क्राई साइन होती है लाइव बर्थ का। इस फिगर में स्टिल बर्थ फीटस विद कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। न्यूबॉर्न की एज डिटरमाइन होती है उसके साइज और शेप हेड की, मीकोनियम एनल कनाल में, डिग्री ऑफ डाइंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड और फंक्शनल एस्पेक्ट सर्कुलेशन का। जैसे कि कैपट सक्सीडेनम जो है ये प्रोजेक्शन होती है हेड पे ऑफ द फीटस जो बनती है ड्यूरिंग द बर्थ इन केसेस ऑफ हेड प्रेजेंटेशन, और एज जो है असेस होती है इनिशियली फ्रॉम द साइज ऑफ द कैपट सक्सीडेनम जो 2 to 3 दिनों के अंदर डिसअपियर हो जाता है आफ्टर बर्थ। मीकोनियम एक डार्क ग्रीन कलर का मटीरियल होता है इंटेस्टाइनल सीक्रीशंस का और एमनियोटिक फ्लूड का जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद होता है ऑफ द फुल टर्म फीटस, और ये कंटिन्यू रहता है टू डिस्चार्ज 3 to 4 दिनों तक फ्रॉम द रेक्टम। ड्राइंग जो होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड की वो बर्थ के बाद होना शुरू हो जाती है और वो फ्यू डेज तक कंटिन्यू रहती है। अ रिंग ऑफ हाइपरीमिया ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन बन जाती है अराउंड द प्लेस ऑफ अटैचमेंट जो कि फिर फुली डिवेलप होगी बाय द 3rd day और स्लो ऑफ हो जाएगा 5 to 6 days में। फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसस पैटर्न होते हैं एट द बर्थ और ग्रेजुअली क्लोज हो जाएंगे एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द 3rd week। दैट्स इट। नेक्स्ट ये चैप्टर भी देख लेते हैं, लेजिटिमेसी, चैप्टर 26 फारिक से। व्हाट इज मेंट बाय लेजिटिमेसी इन मेडिको लीगल मैटर, व्हाट डज द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी अराइज। दूसरा सवाल है कमेंट करें सुपर फिकंडेशन एंड सुपर फिटेशन। लेजिटिमेसी का मतलब है लीगल स्टेटस पर्सन का बॉर्न इन लॉ वेडलॉक, लॉफुल वेडलॉक। लॉफुल वेडलॉक मतलब मैरिज, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिज, तो मतलब वो लीगल स्टेटस पर्सन का जो मैरिज के जरिए से पैदा हो वो लेजिटिमेसी है। सेक्शन 102 के अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट लेजिटिमेट चाइल्ड डिफाइंड हुआ है एज वो जो बॉर्न हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन बाय डाइवोर्स या डेथ ऑफ द हस्बैंड एंड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा। इलेजिटिमेट या बेस्टर्ड चाइल्ड वो है जो बॉर्न हो आउट ऑफ द लॉ ऑफ वेडलॉक मतलब मैरिज के बगैर, या फिर नॉट विद इन अ कॉम्पिटेंट टाइम आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गए लेकिन 280 days के अंदर बॉर्न नहीं हुआ, या फिर डेथ ऑफ द हस्बैंड की वजह से उसके बाद, या बॉर्न विद इन लॉफुल वेडलॉक जब प्रोक्रिएशन हस्बैंड की पॉसिबल ना हो। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो है वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ही ना हो,
तो जाहिर सी बात है उसमें जो बेबी बॉर्न होगा वो हो ही नहीं सकता. नंबर टू दैट ही वॉज फिजिकली इनकेपेबल ऑफ प्रोक्रिएशन ड्यू टू इलनेस. प्रोक्रिएशन मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो फिजिकली इनकेपेबल था ड्यू टू इलनेस, मेलफॉर्मेशन या इम्पोटेंसी या स्टेरिलिटी. और तीसरा ये कि ही डिड नॉट हैव सेक्सुअल एक्सेस टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द टाइम दैट द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन. नंबर फोर दैट देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द ब्लड ग्रुप बिटवीन द चाइल्ड एंड एलिग्ड फादर. उनका ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हो रहा. इलेजिटिमेट चाइल्ड लेजिटिमेट हो सकता है बाय सब्सिक्वेंट मैरिज ऑफ द पेरेंट्स अगर चाइल्ड बॉर्न हो आउट ऑफ द लॉ वेडलॉक. क्वेश्चन लेजिटिमेसी का और डिस्प्यूटेड पैटर्निटी अराइज करता है फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में. एक तो नलिटी ऑफ मैरिज वाले केसेस में, डाइवोर्स वाले केसेस में, विरासत इनहेरिटेंस में, एफिलिएशन जो अडॉप्शन के केसेस होते हैं, और सपोजिशियस चिल्ड्रन में. सबसे पहले नलिटी ऑफ मैरिज देखिए. देखिए लीगली मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये नलीफाइड हो सकता है अगर या तो पार्टी जो है वो अंडर एज ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई भी इनमें से पार्टी पहले ही वैलिडली मैरिड हो, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेम सेक्स की हों, और चौथा कि आइदर पार्टी जो है वो सफ़र कर रही हो इनक्योरेबल इम्पोटेंसी इनसेनिटी एचआईवी इन्फेक्शन लेप्रोसी या वेनेरियल डिजीज़ के साथ इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म प्रायर टू मैरिज. या तो कोई भी पार्टी इंटॉक्सिकेट हो एट द टाइम ऑफ मैरिज और वो समझ ना पाए द नेचर ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. और इसके अलावा विलफुल रिफ्यूज़ल हो टू कंसमेट मैरिज. इसके अलावा रिस्पोंडेंट वाइफ जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट हो किसी और बंदे से अदर देन द हस्बैंड. तो इन सारे केसेस में नलिटी ऑफ मैरिज होगी. डाइवोर्स के केसेस जैसे इसमें डिसोल्यूशन प्रीवियसली जो वैलिड मैरिज होती है अगर इंट्रा यूट्राइन एज चाइल्ड की प्रूव हो ग्रेटर देन द पीरियड ऑफ एक्सेस बिटवीन द पेरेंट्स द डिसोल्यूशन इज मैरिज इज अलाउड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री के बेसिस पे. बाकी जो ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के उनमें आता है डिजर्शन, क्रूल्टी, क्रिमिनल सेक्स प्रैक्टिस जैसे कि रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी एंड इनक्योरेबल इंसैनिटी, एचआईवी का इन्फेक्शन, लेप्रोसी, वेनेरियल डिजीज और कम्युनिकेबल फॉर्म. डिजर्शन मतलब छोड़ देना, अबैंडनिंग. अब इनहेरिटेंस के जैसे केसेस हैं ओनली लेजिटिमेट चाइल्ड है वो ही इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स की. हैंस इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्वेश्चन होता है ना लेजिटिमेसी का ऑफ चाइल्ड का वो अराइज करता है और मेडिकल एविडेंस जो है वो चाहिए होता है कंसर्निंग द फॉलोइंग फैक्ट विज एज इन रिगार्ड टू द प्रेगनेंसी. नंबर टू ड्यूरेशन जो है प्रेगनेंसी की. तीसरा अनयूजुअल फॉर्म प्रेगनेंसी की जैसे कि सुपर फिकंडेशन और सुपर फिटेशन और पैटर्निटी. सबसे पहले एज इन रिगार्ड टू प्रेगनेंसी देखिए. जब वाइल फ्रॉम द टाइम टू टाइम केसेस रिकॉर्ड होते हैं यंग गर्ल्स के जो डिलीवर करती हैं चिल्ड्रन इन इंडिया. एट प्रेजेंट 18 साल की जो उम्र है वो अर्लीस्ट एज है जिसमें जो फीमेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है वैलिड मैरिज और लेजिटिमेट कंसेप्शन हो सकती है. ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्रोबेबली एसोसिएटेड है विद द एज ऑफ सर्टेन वुमेन एट द टाइम ऑफ देयर डिलीवरी लेट इन लाइफ सिंस इंपॉर्टेंट लीगल इशूज में इमर्ज. दूसरा हमने कहा ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है. वाइल नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की एक्सेप्ट हुई है 280 days जो कि इक्वल होती है 10 times द नॉर्मल इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड 28 days का. तो ये मस्ट कंसिडर होनी चाहिए पॉसिबल कि ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का जो है ना वो शॉर्टर भी हो सकता है या लॉन्गर भी जहाँ पे इंडिविजुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट है या लॉन्ग है. तो एडिटर को पता हो कि लेडी वाइफ ऑफ अ डॉक्टर कोलीग अदरवाइज हेल्दी but she says she has periods only once in 6 months may be quantifiable menstrual blood. Lactating women may become pregnant again before starting a menstrual cycle also. तो इन केसेस में भी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैटर करती है. जब ड्यूरेशन जेस्टेशन का शॉर्टर हो देन नॉर्मल तो क्वेश्चन वायबिलिटी ऑफ चाइल्ड का अराइज करता है. वायबिलिटी का मतलब है कि स्टेज ऑफ मेचोरिटी जिस पे मतलब फीटस जिसकी नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट हुई हो वो एबल हो कि वो मेंटेन करे सेपरेट एग्जिस्टेंस बर्थ के बाद. चाइल्ड वायबल हो जाता है 210 दिन के बाद या 7 महीनों के बाद इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ या रेयरली 180 days या 6 महीनों के बाद भी. लेकिन मोस्ट ऑफ दीज केसेस फीटस इमेच्योर होते हैं तो ज़्यादातर हम 210 days या 7 months कहते हैं. स्टेज मेच्योरिटी का जनरली रिफ्लेक्ट होता है वेट ऑफ द चाइल्ड एट बर्थ के हिसाब से उसका वेट कितना था. एक केस है जिसमें 4 pounds का बेबी बॉर्न हुआ आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड 172 days. मेडिकल एविडेंस के बेबी बॉर्न वॉज नॉर्मल एंड सर्वाइव नॉर्मली विदाउट एनी स्पेशल केयर और एफर्ट टू कीप इट अलाइव.
कोर्ट एक्सेप्टेड द हस्बैंड्स कंटेंशन दैट ही वाज नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड एंड ग्रांटेड डिवोर्स। जब ड्यूरेशन जेस्टेशन की लॉन्गर हो जाए दैन नॉर्मल तो चाइल्ड मस्ट बी लार्जर और हैवियर होना चाहिए दैन नॉर्मल। ओसिफिक सेंटर फुल डेवलप हो जाए या फिर एल्स इन इट्स अनयूजुअल एंड सस्पिशियस और एल्स इट इज़ अनयूजुअल या सस्पिशियस। मैकियन और गिब्सन फ्रॉम देयर इन्वेस्टिगेशन इन 1569 बर्थ कंक्लूड दैट द मेडिकल लीगल पर्पसेस अ पीरियड ऑफ 354 डेज फ्रॉम कोइटस टू द बर्थ इज नॉट इम्पॉसिबल। अब अनयूजुअल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी पे आते हैं तो सुपर फेकंडेशन और सुपर फिटेशन अनयूजुअल फॉर्म है प्रेगनेंसी की। सुपर फेकंडेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो दो सेपरेट ओवा की जो डिस्चार्ज हों ओवरी से एट द सेम पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन बाय टू सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस। इसमें टू सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस है लेकिन चार्ज डिस्चार्ज हुआ है ओवरी में से एग का वो एक साथ ही हुआ है तो ये क्वाइट पॉसिबल है और दोनों इन्फेंट जो है ना वो इक्वली डेवलप होते हैं। एक केस रिकॉर्ड हुआ लिटरेचर में जहाँ पे वुमेन हु हैड कोइटस विद फर्स्ट विद अ फेयर स्किन मेल एंड सब्सिक्वेंटली विद अ डार्क स्किन मेल गेव बर्थ टू टू ट्विंस वन ऑफ विच वॉज फेयर स्किन एंड द अदर डार्क स्किन एंड बोथ इक्वली डेवलप्ड। हर्बर्ट ने रिकॉर्ड किया केस डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का वेयर ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप टेस्ट इट वॉज कंटेंडेड दैट द डिफेंडेंट कुड नॉट हैव बीन द फादर ऑफ वन ऑफ द ट्विंस। सुपर फीटेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन हो दो सेपरेट ओवा के जो डिस्चार्ज हों ओवरी से डिफरेंट पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन में। सिंस मेंस्ट्रुएशन होती है दो से तीन महीने आफ्टर द इम्प्रेगनेशन हो जाती है उसके बाद तो सुपर फीटेशन पॉसिबल है ड्यूरिंग दिस पीरियड लेकिन ये रिगार्ड होती है वेरी अनलाइकली अकरेंस। ये होता है इन केस ऑफ डबल यूट्रस जिनका होता है या यूट्रस डायडेल्फिस। दो इन्फेंट जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बॉर्न हो सकते हैं इस वाले केस में मतलब एक कुछ दिन पहले और फिर वो कुछ दिनों के बाद भी पैदा हो सकता है। पैटर्निटी पे आते हैं देखिए वर्ड पैटर्निटी लिटरली मतलब है फादरहुड लेकिन टर्म यहाँ पे यूज़ होते हैं ब्रॉडर सेंस में मतलब पेरेंटहुड। जो सपोज पेरेंट है ना वो मे और मे नॉट बी द रियल फादर। इन केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी ब्लड ग्रुप टेस्ट रिजॉर्ट होते हैं और इंडिया में ये टेस्ट कैरी होते हैं बाय द हैफकाइन इंस्टीट्यूट मुंबई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी एट दिल्ली द सीरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कोलकाता एंड सेवरल अदर फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी ऑल ओवर द कंट्री। डीएनए टेस्टिंग अब कॉमन है। कोई भी एविडेंस जो ऑब्टेन होता है पैटर्नल रिजेंबलेंस से इन द फीचर फिगर जेस्चर एंड अदर पर्सनल पेक्युलैरिटीज जैसे डिफॉर्मिटीज हैज़ लिमिटेड द वैल्यू इन द फॉरेंसिक वर्क। एटाविज्म का केस हुआ इस इन विच द चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल इट्स पेरेंट बट इट्स ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि एटाविस को उसने रिजेंबल किया ग्रैंड फादर को। ये काइंड ऑफ एविडेंस भी वेरी लिमिटेड वैल्यू है इन डिटरमाइनिंग द केस ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। एफिलिएशन अडॉप्शन केसेस देखें ये पॉपुलरली इसको कहते हैं सूट्स फॉर अडॉप्शन। ये केसेस होते हैं जो ब्रॉट होते हैं बिफोर द कोर्ट फॉर फिक्सिंग द पैटर्निटी ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। सेक्शन 125 सीआरपीसी में इंडिविजुअल को स्टॉप मस्ट अडॉप्ट हिज इलेजिटिमेट चाइल्ड और सपोर्ट हिम अप टू अ सर्टेन एज। लेटर केस में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मे मेक अ मैक्सिमम अलाउंस ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच चाइल्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड क्लोथिंग लॉजिंग एंड नॉट लग्जरी। सपोजिशियस चाइल्ड देखिए तो सपोजिशियस चाइल्ड का मतलब है फिक्शियस चाइल्ड। वुमेन जो प्रिटेंड करती है प्रेगनेंसी एज वेल एज डिलीवर करती है और लेटर प्रोड्यूस करती है चाइल्ड एज इफ इट इज़ हर ओन वो कहती है ये मेरा ही बच्चा है। शी में सब्सटीट्यूट अ लिविंग मेल चाइल्ड फॉर अ डेड चाइल्ड और फॉर अ लिविंग फीमेल चाइल्ड बॉर्न ऑफ हर मतलब अपने मरे हुए मेल बच्चे को की जगह पे वो जिंदा मेल आएगी या फिर अपनी जिंदा फीमेल को लाएगी। पर्पस है कि वो एग्जॉर्ट करे मनी बाय ब्लैकमेल या डाइवर्ट करे सक्सेशन टू प्रॉपर्टी। मेडिकल ऑफिसर मस्ट बी एबल टू सेव फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन इफ शी वॉज प्रेगनेंट और उसने डिलीवर किया बच्चा एंड फ्रॉम द पैटर्निटी टेस्ट अगर चाइल्ड लाइकली हेड कि वो उसका है। इस तरह के एविडेंस जो है यूजफुल होते हैं ओनली इन केसेस जहाँ पे एज ऑफ द सपोजिशियस चाइल्ड जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती टू द डेट ऑफ प्रीटेंडेड प्रेगनेंसी एंड सब्सिक्वेंट डिलीवरी। माइट्री कारर फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट लिविंग टुगेदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें इनेबल किया मैरिड मैन टू लिव विद अनदर वुमेन विदाउट ऑब्टेनिंग अ डिवोर्स। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली इनेबल्स अ मैन टू नेग्लेक्ट देयर वाइव बट आल्सो चीट द वुमेन विद हुम दे हैव सेट अप अनदर होम। ये कॉन्ट्रैक्ट इनकर जो थे मैंने गुजरात इंडिया में इस हाई कोर्ट ने हेल्ड किया मैरिटरी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ। अगर मैन डिसाइड करता है कि वो लीव करे वुमेन को तो वो कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस नॉर कैन शी आस्क फॉर शेयर इन द प्रॉपर्टी द मैन पोजेस ओनली इफ शी हैड एनी चिल्ड्रन बाय हिम शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन इसके। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट देयर डिस्प्यूटेड नेचर
are likely to gain momentum in changing the values of life unless the diverse laws are suitably liberalized and replaced by new ones that reflect the changing social convention of time. What is atavism? जब चाइल्ड रिजेंबल करे ग्रैंड पेरेंट्स को लेकिन पेरेंट्स को नहीं, तो इस तरह का एटाविस्टिक चाइल्ड है और प्रोसेस को एटाविज्म कहेंगे. दैट्स इट, ये चैप्टर कम्प्लीट हुआ.